देखिए हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है। आज एनसीईआरटी से हम लोग जो है फिर से एक बार मिसलेनियस प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरी एनसीईआरटी का, कहीं से भी कोई दिक्कत, ठीक है। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज जो 8.1 है उसका 7th क्वेश्चन दिया हुआ है। कॉट थीटा जो है 7/8 है, तो 1 + sin θ × 1 − sin θ और 1 + cos θ × 1 − cos θ की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो सॉल्यूशन देखिए, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं क्योंकि हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, आइडेंटिटी भी पढ़ लिया है, ठीक। तो देखिए मेथड वन, पहला तरीका जो कि सबसे आसान है, फर्स्ट था 1 + sin θ × 1 − sin θ / 1 + cos θ × 1 − cos θ। देखो a + b × a − b, a² - b² की आइडेंटिटी लगाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, सिमिलरली नीचे कितना हो जाएगा, 1 − cos²। देखिए हमने पढ़ा है sin²θ + cos²θ 1 होता है, तो 1 − sin² क्या बनेगा, cos²θ होगा, नीचे क्या मिल जाएगा, sin²θ, यानी कि ये क्या आ गया, cot²θ आ गया। cot²θ का मतलब हो गया cot θ का ये होल स्क्वायर है, cot θ तुम्हारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 7/8, तो इसका स्क्वायर हो गया 49. सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट पूछ रहा है cot²θ, तो पहला वाला cot²θ के बराबर ही तो था, ठीक है ना, तो ये 49/16, ठीक। अब आप लोगों को याद होगा फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ये क्वेश्चन किया, उस टाइम पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी, ठीक है ना, उसको हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था, तो उसके हेल्प से हमने क्वेश्चन किया था, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। देखो अगर आइडेंटिटी अप्लाई कर दो तो ये बहुत जल्दी हो गया क्वेश्चन ये। अब सेकेंड मेथड क्या है अपने पास, मेथड टू, कॉट थीटा कितना दिया है 7/8, तो बताइए कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना, तो बेस कितना हो गया 7, परपेंडिकुलर कितना हो गया 64, सॉरी 8, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 7² + 8, 49 + 64, तो 130, ठीक। अब फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा था, 1 + sin θ और 1 − sin θ, नीचे 1 + cos θ × 1 − cos θ, इसको हम 1 − sin²θ और 1 − cos²θ, इतना तो कर ही सकते हैं, yes. साइन थीटा बताओ कितना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो परपेंडिकुलर इज 8 एंड हाइपोटेन्यूज इज 1, ठीक है, तो 1 माइनस, अब हमें इसका स्क्वायर करना है सागर, ठीक, तो ये 64/130, नीचे 1 + 64/130, ठीक, नीचे सॉरी cos, सॉरी सॉरी ये माइनस भी था, cos क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 7/7 है ना, 7/130, तो स्क्वायर करना है, ये हो गया 113 दोनों का एलसीएम, तो ऊपर हो गया 113 − 64 और नीचे 113 − 49, ठीक। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 49 और नीचे 64, तो यही आंसर आ रहा होगा। सेकेंड अब पूछ रहा है cot²θ, तो ये तो cot θ का होल स्क्वायर हो गया, cot θ दिया हुआ ही था 7/8, तो इसका स्क्वायर हो गया 49/64, समझ गए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए जिसे सॉल्व नहीं हुआ, एग्जांपल 2 है, कह रहा है कि इफ एंगल बी
एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो एक्यूट एंगल्स है, सच दैट, ताकि वो इस तरीके से कट दिए हुए एंगल्स कि साइन बी और साइन क्यू, मतलब दोनों एंगल्स का आप साइन जब निकालते हो तो वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो बराबर है, ठीक। ध्यान से इसको समझिएगा, एक ट्रायंगल है मेरे पास, ये ए बी और सी पे राइट एंगल हो गया, एक है पी क्यू और आर, एंगल सी पे राइट एंगल, और दूसरे ट्रायंगल में एंगल आर जो है वो 90 डिग्री, ठीक, दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से कम होगा ही, क्योंकि अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तब तो इन्हीं दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, ठीक। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, अभी 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक, उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सिमिलर का मतलब वो दिखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है, मतलब उनका शेप सेम होता है, ठीक है, लेकिन साइज अलग होता है, ठीक है, क्या होता है, फिर से समझना, शेप सेम होता है लेकिन साइज अलग अलग होता है। कॉन्ग्रुएंसी में, कॉन्ग्रुएंसी में आपने पढ़ा था उनका शेप और साइज दोनों सेम था, ठीक है, मतलब एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रख दो तो वो ढक जाए, ठीक है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। अब दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं, इफ टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर, अगर ये दोनों सिमिलर हैं, देन दो चीजें होती हैं, पहली चीज तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एनिमल्स, सॉरी एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एनिमल्स निकल गया, आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब जो बराबर पोजीशन वाले एंगल्स हैं वो इक्वल, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्या प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब उनका रेशियो बराबर है, ठीक, मतलब कि अगर मैं लिखता हूं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये सिमिलरिटी का सिंबल, ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ए बराबर एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ठीक, ये तो एंगल इक्वल हो गया। और कह रहा है कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब उनका रेशियो जो है वो आपस में इक्वल होगा। तो ए बी का देखो लिखते कैसे हैं, शुरू के दो तो इधर वाले भी शुरू के दो, ए बी अपॉन बी सी, बी सी तो ई एफ, ठीक, और ए सी तो ये दोनों प्रोपोर्शनल, ये तीनों आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। कॉन्ग्रुएंसी में तुमने क्या किया था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइज भी इक्वल थे, लेकिन यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग साइज जो है वो प्रोपोर्शनल। तो हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो साइन बी दिया हुआ है, साइन बी तुम कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन ए बी, ये लिखोगे। फिर इन ट्रायंगल पी क्यू आर साइन क्यू, साइन क्यू अब क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर पी आर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी क्यू, ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी ए सी अपॉन ए बी और पी आर अपॉन पी क्यू, ये किसके दोनों आपस में क्या है, बराबर है।
बराबर है तो मैं मान लेता हूं कि किसी एक नंबर k के बराबर होंगे, ठीक। तो यहां से तुम ac को क्या लिखोगे, a k into ab लिखोगे, yes, ac को k into ab लिखोगे कि नहीं, yes, और br को k into pq लिखोगे, yes, यहां तक सही है, yes, यहां तक पहले नोट कर लीजिए आप। देखिए अब नेक्स्ट ए सी आ गया के इंटू ए बी और पी आर आ गया के इंटू, ठीक। अब इस ट्रायंगल में अगर हम बी सी निकालना चाहें तो बी सी कितना होगा, बी सी होगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक। तो ए बी स्क्वायर, ए सी कितना है k इंटू ए बी है, तो ये k स्क्वायर और ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ए बी स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हैं और 1 माइनस k स्क्वायर, ठीक। यानी कि ये 1 माइनस k स्क्वायर का रूट इंटू ए बी लिखा जा सकता है, क्या बी सी ये लिखा जा सकता है, ठीक। उसी तरह से अब दूसरे ट्रायंगल में अगर क्यू आर निकालें तो क्यू आर क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का पी क्यू का स्क्वायर, पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर होगा, यानी कि पी क्यू स्क्वायर कॉमन और वन माइनस के स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया पी क्यू इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस के स्क्वायर, सही है। अब देखिए बी सी अपॉन पी क्यू निकालते हैं, बी सी अपॉन पी क्यू, तो ये क्या आ गया, ए बी इंटू वन माइनस के स्क्वायर अपॉन क्या आया, पी क्यू इंटू वन माइनस के, ठीक है। यानी कि ये कट गया तो रिजल्ट क्या मिला, बी सी अपॉन पी क्यू जो है वो ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर, ठीक। ये रिजल्ट हमें मिला है, ठीक है। वी गेट बी सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन BC अपॉन QR का, सॉरी ये QR है ना, ये किसके बराबर आया है, QR के बराबर आया, मैंने गलती से PQ लिख दिया। तो BC अपॉन QR जो है वो AB अपॉन PQ के बराबर है, ठीक। अब ये देखो गिवन था अपने पास, या हमने रिजल्ट निकाला था कि AC अपॉन AB किसके बराबर है, पी आर अपॉन पी क्यू के बराबर है। यानी कि देखिए यहां से ए बी अपॉन पी क्यू आप क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ए सी अपॉन पी आर ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर। अच्छा ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है, सी अपॉन पी आर के बराबर है ना। तो तुम क्या देख रहे हो कि दोनों ट्रायंगल ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू, फिर ए सी और पी आर, ए सी और पी आर, फिर बी सी और क्यू आर, तीनों साइड का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया ना। तो यहां हम क्या देखते हैं, हियर वी ऑब्जर्व दैट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, sides of the triangle ABC and PQR, R कैसे हैं, proportional है ना, equal नहीं है, sides proportional है, ठीक। therefore triangle ABC is similar to triangle PQR, sides proportional होंगे, इसका मतलब triangle दोनों क्या होंगे, similar होंगे, और similar होते ही दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ठीक है।
ठीक, इसका मतलब कि एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर, और एंगल सी जो है एंगल आर, तो ये 90 डिग्री तो दिया हुआ है, तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल आ गया, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है सर।